बॉक्स खबरों की नई पहचान। कोरोना महामारी को लेकर जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वॉर रूम का समापन बुधवार को किया गया। समापन के पूर्व सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। पिछले माह 16 से शुरू हुए इस वॉर रूम के माध्यम से लोगों तक चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई गई। लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की गई। पूरे माह 300 दिन कांग्रेस पार्टी के लोग बारी बारी से वॉर रूम में बैठकर लोगों की परेशानियों का समाधान ढूंढते रहे। इस समापन समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक सिंह, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव सिंह सहित तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। तो हम अपने कार्य अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी का स्वागत करते हैं अपने वार रूम में, जो आज इस समापन में कितनी समय दिए हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि पिछले महीने 16 तारीख को आलमगीर साहब ने इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी और आज इस वार रूम का समापन भी 16 तारीख को हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि वार रूम का समापन हो रहा है, एम्बुलेंस सेवा का समापन नहीं है। एम्बुलेंस सेवा पूर्ववत जैसे चल रहा था वैसे ही आगे भी ये जारी रहेगा। देखिए, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र बाबू और जो इस कोविड रूम के संयोजक अशोक सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मन्नान मल्लिक जी, इन सभी लोगों के मार्गदर्शन में दिशा निर्देश पर ये कोविड कंट्रोल रूम चल रहा था। निश्चित रूप से जो ये काम हुआ है मानव सेवा का, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ धनबाद ही एक ऐसा जिला था जिसने इतनी तन्मयता के साथ काम किया। कोरोना में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे तब इन लोगों ने कैंप लगा करके सेवा करने का काम किया। नतीजतन आपने देखा होगा कि यहाँ के विधायक भी, उनको लगा कि नहीं ये सेवा का काम हो रहा है तो निश्चित रूप से उस कैंप के आगे मत्था टेक के आना चाहिए, और उन्होंने यहाँ आकर के निश्चित रूप से जो विधायक की जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन किया। हम ये कह सकते हैं आज कि बहुत बड़ी बात है, धनबाद के एक एक व्यक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, एक एक कार्यकर्ता और नेता का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को चलाने में लगभग 30 लोग जो है दिन रात इस कैंप में सोते रहे, जगते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। और हम समझते हैं कि जितनी सेवा यहाँ हुई है निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को एक विश्वास जगा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं सेवा भी करती है